कासू को पता है कि आज उसके लिए काफी कुछ आया हुआ है, इसीलिए ऐसे चिपकी हुई है अपनी मम्मी से। इधर तो आ कासू, शर्मा रही है। नोटबंदी के टाइम पे सारी भारतीय नारियों का खुलासा हुआ था उस टाइम पे कि सबके पैसे निकले थे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, नया दिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं किचन की तरफ और आज बन रहा है गोभी का परांठा। और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली गोभी के परांठे में, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं पहली पहली बार बना रही हूँ, तो गोभी का परांठा भी मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं आपको। अरे वाह, किसके परांठे बन रहे थे आज? मूली के, गोभी के? गोभी के परांठे बन रहे हैं। बोल तो दिया कि 10 से 11 के बीच में आएगी, एडिटिंग करनी नहीं है। इसका कोई काम नहीं है सीमा का। अरे जब देखो तुम गद्दे सुखाती रहती हो धूप में, हैं? सही थे। सही क्या? सुखाने चाहिए गद्दों को, प्रॉपर धूप देनी चाहिए। धूप भी देखो कितनी तेज है, 2 मिनट में सूख जाएंगे। उसको तो अपना ही कर रही है, देखो इसके साथ जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो इसके साथ पूरा 1 घंटे में होता है। तो अभी 2-3 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था कि हम सर्दी के कपड़े निकाल रहे हैं और गर्मी के कपड़े डाल रहे हैं, और आज मार्च आ चुका है, 5 मार्च, तो आज हम सारे जितने हमने कपड़े निकाले थे ठंड के वो सब डाल रहे हैं अंदर और गर्मी के कपड़े निकाल रहे हैं बाहर। वैसे तो हमने गर्मी के कपड़े ऑलमोस्ट बाहर निकाल लिए थे पहले, और आज जो बचे कुचे कपड़े वो भी निकाल रहे हैं। कैटी का है, कैटी अपने टी शर्ट को बिल्ली देख रही है, आज पहली बार पहनी उसने हर टी शर्ट ना। पापा को देखो कितने टिप टॉप बन गए, जीन्स शॉर्ट कुर्ता ये पापा आपके सामने हम जी लगते हैं, देखो पापा को देखो ये पापा और स्टाइल में। अभी भी 25 साल से मैं अभी भी गोचरा ऐसा कुछ हूँ, मैं अभी भी हो गया ऐसा कुछ हूँ, और मिया मैं भी स्कूल जा ऐसा कुछ पांच हूँ। हाँ पापा गुट मोटे से है ना, मैं भी पांच हूँ जा रहा हूँ, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। खुशी निकाल रहे टोपी कासू ऐसे, आहा आहा। देखिए बैट को ठीक करते वक्त मुझे क्या मिला, ये हैंकी है, और ये हैंकी मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था बर्डली में, जो आता है ना मतलब दुल्हन का सिंगार वगैरह कपड़े जो आते हैं शादी वाले दिन, उसमें मम्मी ने ये रुमाल रख के दिया था। और दोस्तों ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि मैंने ये यूज़ ही नहीं किया कभी, ये हैंकी मन ही नहीं किया, मुझे लगा ये ख़राब हो जाएगा। वैसे मैं हैंकी यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी इसको और भी मन नहीं किया यूज़ करने का कि ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो आज मिला मुझे पन्नी के अंदर रखा हुआ था मैंने साड़ी के साथ। मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या कहती है, देखो इसके बारे में। मम्मी हाँ, ये क्या है? रुमाल है, तो मैंने तुमको दिया है ना। हाँ। चलो याद आ गया आपको? मम्मी के जवाब बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं लेके आई थी कि देखो मम्मी क्या कहती है। तो मम्मी आपने मेरे को शादी में दिया था ना? शादी में, बर्थडेली में दिया था आपने मेरे को ये। मम्मी मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने यूज ही नहीं किया ये कि खराब हो जाएगा। क्यों खराब? खराब को निकलने तो दिया है, ना जाए नहीं नहीं दुल्हन की नाक ना आ जाए। तो मम्मी मेरे ख्याल से पहले रुमाल इसीलिए देते थे, गांव में भी तो बहुत देते थे, जो दुल्हन अपनी कमर में ऐसे लगा के रखती थी कि विदाई के समय जब रोती है ना तो नाक आते हैं तो नाक भी आ जाती है, तो उसको पोछने पाछने के लिए होता था हमेशा गढ़वाल में, गढ़वाल में क्या कहीं भी होता होगा दुल्हन को दिया जाता था। कासू का काम आ जाएगा, अब कासू के काम आ जाएगा, सही बात, कासू को स्कूल में दूंगा मैं। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों,
तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं दोस्तों एक साथ, कि बहुत कम जाते हैं मेरे साथ मार्केट। हाँ। सीमा बोलती है तुम दोस्तों क्यों बोलते हो, मैं कहता हूँ कि दोस्तों क्यों नहीं कहते, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं गाइस, हेलो गाइस। नहीं नहीं, मैं कभी बोला मैंने, मैंने कहा गाइस नहीं बोलना चाहिए, गाइस वर्ड मुझे बहुत बेकार लगता है, मुझे खुद बेकार लगता है, मतलब हेलो गाइस, हेलो गाइस। वैसे हम हर कोई ब्लॉगर हाँ दगड़ियों बोल सकते हैं, लेकिन दगड़ियों में क्या है कि ना, जो देसी लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे। एक बार तो कमेंट भी आया था कि दगड़ियों मींस क्या होता है। हां दगड़ियों, क्योंकि पापा दगड़ियों बोलते हैं ना, तो कह रहे थे कि ये दगड़ियों क्या होता है अंकल जी, दगड़ियों दगड़ियों क्या बोलते रहते हैं, तो इसलिए इससे अच्छा है कि दोस्तों बोल लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं दोस्तों ही बोलता हूँ। तो बहुत दिनों बाद निकल रहे हैं ऐसे सनी चौक के लिए। सनी चौक हम लास्ट टाइम पता नहीं कब गए थे, याद भी नहीं आ रहा मुझे। मम्मी और अंजलि के साथ तो जाती रहती हूँ, बट इनके साथ जा रही हूँ अब, और कासू को सुना दिया है मैंने। और मेनली जा रहे हैं हम कासू की बर्थडे ड्रेस लाने, बर्थडे ड्रेस लाने के लिए, और अगर कुछ और मिलता है तो वो भी ले लेंगे। और आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों ला रहे हैं ये, क्योंकि अप्रैल में, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है मेरे लिए, और शनिवार और हफ्ते में एक ही दिन सैटरडे आता है और उसी दिन मार्केट लगती है अच्छी वाली, तो मुझे ना उसकी फ्लेयर वाली फ्रॉक लानी थी जिसे लास्ट टाइम दिखाया था ऑनलाइन, जो ठीक से मिली नहीं थी, तो आज मैं सारी दुकानें और जो जो बाहर लगे रहते हैं सब छान लूंगी उसकी ड्रेस की। सेवा ने पकड़ लिया आपने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बताओ बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की है भैया के पास, और मैं हमेशा इन्हीं से लेके जाती हूँ। यही भैया है? हाँ यही भैया है, तो जो कि मदर डेयरी के पास में लगाते हैं। तो बस अभी जैसे हम उतरे रिक्शे से तो सीमा ने देखा इनको और एकदम से आ गई यहाँ पे, अब कम से कम यहाँ से 10 लेटर तो लेके जाएगी। तो हमेशा की तरह सब कुछ लेने के बाद हमारा जो अंत में जो शॉपिंग होती है वो कहाँ के ठहरती है, गढ़वाल पनीर भंडार के पास, भैया की पनीर की दुकान पे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं घर, हाथ में है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमको कितनी पसंद है। तो कासू का रिएक्शन देखते हैं, बाहर आ गए, क्या खा रहा था तू, मुझे आ रहा था, क्या खा रही थी कासू, और दोनों के मुंह कैसे बने, जो कि बाबा लग रहा था, तो देख उसे मेरे से मतलब नहीं है, देखो जा, ये गेट में अटैक कर लिया, देखा ये देखो आंसू बड़ी हो रही है, बड़ा लेना था ये देखो, ये नापो, ये नहीं आएगी। ओहो कैसे लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है ना, बढ़िया बढ़िया। ये देखो ये कासे के लिए लिया है, ये तभी तो कॉटन कॉटन के, ये तीन तो बड़े हैं, दिखाना ये वाला रेड वाला, कैसा चिपक रही पीछे, कह रही मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ लेके आई है ना, कपड़े लाए इसके लिए, और ये सब इनकी मेहरबानी है, मैंने एक भी नहीं लिया है, और मैं हमेशा जो भी छाट रही था उनमें हमेशा इनको ये कह रही थी कि इसके पास बहुत कपड़े हैं, जगह नहीं है रखने की, अभी हम ऐसे ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि कपड़े हमने दिए हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे, और फेंके भी है हमने, और तुम मान कितनी क्यूट लग रहा है कासू, अच्छी लगती है। इधर तो आ, इधर तो आ, टी शर्ट पहनानी पतली वाली, ये अभी ऊपर मोटी है ना, तो इसलिए सुनो वैदिक भी खुश हो रहा है देख के, वो हंसते है ना, हम तो वो भी हंसता है, कासू दिख गई है, इधर तो आ कासू, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है उसको, वहाँ क्यों जा रही है तो कासी, उसके अंदर इधर आना, बता दो यार, दो साल की हुई नहीं है, शर्म इसको पहले आ रही है, पिंक है येलो, रुक जा, तो रुक जा, वहीं आ रहा कैमरा लेके, आप शर्मा दो, कैसे हो गई है, इतना कौन शर्माता है यार, ये दिखा दो चला, दिखा दो दिखा दो चला, देखो देखो ये कौन आया, कौन आया, कौन आया, मुझे खानी है, दूध पी रही थी यहाँ पे बैठ के, जैसे पापा आए और पापा लेके चले गए उसको साथ में, रूटीन बन चुका है कासी का, चाहे कासी कहीं पर भी हो जैसे पापा आते हैं तो साथ में चली जाती है, बारी बारी करती है। तूने अपनी मम्मी का पहन लिया
और उतारा कैसा उसने स्टाइल में? कैसे हंस रही है उसको देख के? कासू क्या है ये? क्या है? तुम क्या कर रही हो सीमा? मैं ना ये इसमें ना कासू के पैसे हैं और अभी वो ये डब्बा आप लोगों ने देखा होगा कि कासू को लेने एक बॉक्स में बनाया था वो पिगी बैंक करके कुछ काशी का खजाना तो वो भी अभी पता नहीं मैंने कहाँ रखा, वो याद नहीं आ रहा मुझे। अब तुम डांटना तुम्हें याद नहीं आ रहा? मुझे पता तो छोटे ही बोलेंगे बुलाग जाए साइड में पहले डांटना शुरू कर देंगे। तो अभी अच्छा, उसके बाद ना वो उसमें पैसे आ नहीं रहे थे तो फिर मैंने एक पर्स ऐसा बना दिया था। वो देखो अब मैं कासू को सिखाती हूँ। देखो तो मैं करता जैसे गुल्लक तो ठीक है लेकिन जो तूने बना रखा है ना काशी का खजाना जो बॉक्स का बना रखा है वो मुझे काफी पसंद है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि जो पैसे उसमें अभी तक जमा हुए हैं जितने भी हैं उसको उसी में रहने दो। उसमें तुम और बढ़ा सकती हो लेकिन उसको निकालो मत यार, ठीक है? क्योंकि तुमने वो काफी मेहनत से बना रखा है जहां तक मुझे याद है। और मुझे सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने देखा भी होगा वो एक ब्लॉग में जब सीमा ने दिखाया था काशी का खजाना, वो ब्लॉग का नेम ही हमने मेंशन किया था काशी का खजाना, तो मेरे को बहुत सुंदर लगा था वो। ये भी ठीक है, मैं चाहती हूँ कि काशू को ना पैसों की कदर मैं अभी से करना सिखा दूँ। खैर वो कुछ समझ है नहीं उसे अभी, वो मैं जानती हूँ, बट उसे पता लगना चाहिए कि इसको नोट बोलते हैं, इसे पैसा बोलते हैं और डालना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कुछ कि वो खुद से ही सीखे डालना। अब देखो काशू पिगी पिगी, अब देखो इसमें कैसे डालते हैं। मैंने जल्दबाजी में ना उस दिन जिस दिन नन्नू का बर्थडे था तो मम्मी ने पापा ने मामा ने मामी ने सब ने पैसे दे रखे थे तो ये धबुली भी जल्दबाजी में मैंने इसी में डाल दी थी मामा की लाई। देखो काशू ये देखो, जय हो भगवान जी, तर गया क्लैपिंग। देखो क्या करती है देखना, देखो एक बार में समझ गई ना नो, हाँ वो घुस नहीं रहा, कह रही नो, ये देखो ऐसे घुसाते ये उसको दो काशी को दो कैसे डाल अपने हाथ से। अभी अगर हमारे पैसे होते ना अभी अगर हमारे देख रही है खुद के पैसे कैसे देख रही हो, इतनी तेज है ये। अब जब तक वो पूरे नहीं डालेगी उसे चैन नहीं आ गया इधर। देखो नो नो वाली ऐसे नहीं जाएगा। देखो अक्ल बच्चों की यार, आजकल एडवांस बच्चे हैं, हम थे बोंडू से पर आजकल के बच्चे देख रहे हो। वो कह रही मुझे ऐसे करके दो, देखो है नीचे से पतला कर दिया उसे। देखो है भाई काशी मान गए तेरे को यार, मान गए। तो गर्मी शुरू हो चुकी है और आप लोग कमेंट से बताना किस किस किसने गर्मी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं जैसे कि हमने शुरू कर दिए हैं। मैं तो कब से पहन रहा हूँ लेकिन सीमा ने स्टार्ट कर दिया है जिस तरह आज से किया, क्योंकि आज मैंने अपनी अलमारी से जब से इनकी अलमारी आई है ना उनके कपड़े मैंने कर दिए साइड, सारे कपड़े लेके और आज मैंने अपनी अलमारी बिल्कुल सेट कर दी। तो सेट कर दी है, सेट कर दी है और पहनने इसने यही है, एक ही सेट है जिस तरह इसने सर्दी अपने दो नाइट सूट में निकाली है दोस्तों। उसी तरह पूरी गर्मी एक ये टी शर्ट है और एक दूसरी पहनती है वो भी ऐसे टी शर्ट है उसमें निकालने वाली है। वैसे तो देखो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो कपड़े हैं उससे बिल्कुल मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता आपने क्या पहना है, बस वो साफ होने चाहिए धुले हुए होने चाहिए। मैटर करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका आपका एटीट्यूड कैसा है अपने लाइफ के प्रति, वो मैटर करता है। कपड़े तो अब हो गए दोस्तों लेकिन जब हम छोटे थे या जब आप लोग भी रहे होंगे तो काफी लोग हमारी चीज से रिलेट कर रहे होंगे कि पहले कहाँ कपड़े होते थे इतने ना, तो वो चीज है। अब ये अब बच्चों को देख लो यार, अब हम जब आज गए सनी चौक में तो काशी के लिए मतलब क्या गए इसके लिए 3-4 पजामे हो गए और मेरे आप यकीन नहीं मानोगे जैसे सीमा बताती भी है ब्लॉग में कि काशी जब 4-5 साल की होगी तब तब के लिए भी उसके लिए हमने कपड़े लेके रखे हुए हैं। हाँ तो तू मेरे साथ में नहीं होती क्या? नहीं होती हूँ बट फिर... मैं बहुत मना कर रही होती हूँ पीछे से। हाँ तो वो ही बात है, और हमारे टाइम पे सिर्फ दिवाली पे कपड़े आते थे हाथ में भी सनोट आ गए डालने के लिए। भैया हमने तो पता नहीं हमने तो पता नहीं सिक्के भी कब देखे थे। सही बात है, हमारे पिगी बैंक में सिक्के ही दो होते थे, 1-2 रुपए के। सबके हस्बैंड जॉब जाते हैं ना तो वाइफ क्या करती है कि ना जब वो आते हैं ना ऑफिस से या पर्स देखती है फिर उसमें से कुछ निकाल के अपने पास रख लेती है। अच्छा तो जॉब भी नहीं जाते हो, मैं कैसे निकालू तुम्हारे पर्स से सारा
काम पेटीएम वेटीएम से करते, पैसे कैश तो लाते ही है। तो यार जो लोग जॉब करते हैं और आज के टाइम में मेरे ख्याल से कैश किसको मिलता है यार, सारा तो अकाउंट में ही आता है। अकाउंट में आता है, फिर भी कैश जैसे होता है ना, अब जैसे कोई बाहर आता जाता है, बस का किराया हुआ, टैक्सी का किराया, ऑटो का किराया हुआ, तो पैसे तो रखने ही पड़ते ना, खाया कुछ बाहर। जब से ये हो गया है घर पे, और जब से तुम्हारा वर्क घर से हो गया है, तब से तो भैया। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मतलब कि जो हर जो वाइफ होती है, हाउस वाइफ, वो मतलब उनका अलग से गुल्लक होता है क्या? गुल्लक नहीं होता, पर वो पैसे बचाती है अपने लिए, थोड़ा थोड़ा पैसे बचाती है। या तो जो मेरे को पता है मेरी माँ तो ऐसा करती थी कि एक फ्लोर हमारा हमेशा रेंट पे रहता था, तो मम्मी वो रेंट वाले पैसों को बचाती थी, पापा को बोलती थी कि मैंने घर खर्च में कर दिए वो यूज। अच्छा। मम्मी उनको बचा के कुछ बना लेती थी, जैसे छोटी मोटी चीज, कभी सोने का कुछ बना दे। मम्मी को सोने के ज्वेलरी बनाने में ज्यादा अच्छा लगता था। पापा जी तो मम्मी कभी छुपाती भी नहीं थी पापा से, पापा जी को पता है, बताती थी, पर जैसे 6-7 महीने बाद। लेकिन कितनी अमाउंट है वो नहीं बताती थी, ये मेन चीज है। जब मम्मी को पता मम्मी कब बताती थी पापा को, जब वो उसको लाए हुए 8-9 महीने हो जाते थे या साल भर हो जाता था, तब बोलती थी ये बना रखा है मैंने, तब पापा तो पापा हंसते थे कि हाँ सही है, करते रहो अपना। वो है, वो कला है, किसी को घर खर्च से बचा रही है ग्रेडी अगर पैसे, तो उसमें क्या हुआ है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने अपने खर्चे के लिए, जैसे अपने बच्चों के लिए। हाँ। क्योंकि जहां तक मुझे याद है हुआ क्या था, जिस टाइम पे नोट बंदी हुई थी, तो उस टाइम मुझे चला था पता कि मम्मी ने भी पैसे बचा के रखे हुए थे। यही नोट बंदी के टाइम पे सारी भारतीय नारियों का खुलासा हुआ था उस टाइम पे, कि सबके पैसे निकले थे। और सीरियसली मेरे घर पे भी ऐसी हुआ था, ये बता रहे हैं, जैसे मम्मी के साथ मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था। तो पापा ना हर दिन ऑफिस से आके पूछते थे, और भी है तेरे पास, अभी भी बता दे, और भी। और यही सेम लाइन पापा बोलते थे कि तुम्हारे पास और भी है, और छन पैसा, और छन कक्षण तैयार रखे पैसा। और हमारे साथ की जब सब खत्म हो गया था, तो उसके बाद निकला था कोई पैसे? नहीं, ऐसा कोई निकला था हमारे साथ हुआ था। हमारे बस 2-3 नोट निकले थे मेरे ख्याल से, वो अभी भी रखे होंगे घर पे, 500-500 गया। नहीं, हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ। तो और आप लोग बताना कमेंट्स में कि क्या आपके साथ में भी ऐसा है, जो वो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनकी मम्मी भी ऐसा करती थी। आई थिंक, मुझे लगता है कि सभी लोग तो इस चीज से रिलेट करते होंगे, हर कोई करता ही, और हर कोई किस लिए करता है यार, अपने बच्चों के लिए करता है, ठीक है, भविष्य के लिए करता है उनके लिए। पिछले साल हमारी लास्ट एनिवर्सरी और क्लास के फर्स्ट बर्थडे पे मेरे पापा ने हमको ये लिफाफे दिए थे, जिसने हमारा ब्लॉग देखा होगा, काशी कुकरेती का बर्थडे ब्लॉग, उसमें आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, हम लिंक शेयर कर देंगे। तो उन्होंने ना हमारी एनिवर्सरी पे हमको ये एक एक लिफाफे दिए थे। मैं चाहती हूँ इसके अंदर जितनी भी अमाउंट है, वो भी मैं काशी के ही गुल्लक में डाल दूं, कि इन फ्यूचर हमारे काम आ जाए। देखो, एक साल हो गया हमारी एनिवर्सरी और कासू का बर्थडे, सेकंड बर्थडे आने वाला है, और मैंने अभी तक ये यूज नहीं किया, ऐसे रखे हुए। सही में, और जितनी अमाउंट दी थी उतनी अमाउंट इसमें रखी हुई है। हमने, जबकि ऐसा भी सिचुएशन आया है घर में, कि जैसे होता है ना कि ये तो मैं बोल रही हूँ डिजिटल हो गया है, तो हम कैश ज्यादा यूज करते नहीं है, जो है पेमेंट सारी पेटीएम, ऑनलाइन यूपीआई ये यूज करते हैं। तो ऐसा टाइम भी आया था। थैंक्स टू मोदी जी की, मतलब कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। मैं, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा है कि मुझे ना पैसे कैरी करना ना मुझे पहले पसंद था, और सबसे अच्छा हो गया कि अब ये पेटीएम आ गया, ये सब यूपीआई हो गया, तो सब कुछ करो भैया पेटीएम से करो बस। तो ऐसा टाइम भी आया था कि जब मुझे पैसे मतलब चाहिए थे, तो फिर भी हमने इसमें से नहीं निकाले। ये हमारा एक दूसरे से प्रॉमिस भी होता है कि जो काशी के पैसे होते हैं, जो भी होता है, वो हम उसी के यूज में बाद में लगा देंगे। तो यही सोच के मैं अब इसमें डाल रही हूँ सारा अमाउंट। डाल दो। अच्छा हाँ, वो यार 5 लोगों के नाम ले देना सीमा। आप लो ना। आपने अच्छा, हाँ मैं लेना था यार, आई थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। 5 लोगों के नाम लेने हैं भैया, रेडी होना पड़ेगा। अब मैं पढ़ने वाला हूँ 1st 5 कमेंट जो कि हमारी लास्ट वीडियो में आए थे। तो सबसे पहला कमेंट था मीनाक्षी नेगी जी का, हेलो दी कंचा, आप लोग कंचा भाई बहुत बढ़िया, अच्छा बोली। नेक्स्ट है कविता चौहान का, नाइस दी, ओके जी। और उसके बाद है तीसरा कमेंट सुमन चौहान जी का, हेलो दी मुझे पूछना है कि आप वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करते हो? जी हम काइनमास्टर से करते हैं, और शुरू से ही हम काइनमास्टर ऐप से कर रहे हैं, और ये काफी इजी है। पहले हम एंड्रॉइड से करते थे, फिर हमने एप्पल फोन में उसको परचेस करके लिया है। हाँ, तो कितने कमेंट हो गए यार, 1-2-3। नेक्स्ट है पहाड़ी साधना जी का, सो पहाड़ी साधना जी बोलती है, हेलो सीमा जी कैसे हो आप, मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है, सुपर फैमिली। थैंक यू यार, हंसी तो मेरी भी अच्छी है यार, मुझे कोई कुछ कह नहीं कहता। क्यों कहते थे आपको तुम भी यार, तुमको मैं बोलती तो सही बात है।
तुम ही तो बोलती हो बस। हाँ नेक्स्ट है फिर उसके बाद सुनीता राजपूत जी का हेलो सेमाती। हेलो सुनीता जी बोल दो भैया तुम्हारे लिए। हेलो सुनीता बोली। ठीक है भैया, तो ये सब थे वो 5 कमेंट जिनके मैंने अभी नाम लिए। ठीक है तो ये अब ऐसा ही होगा जैसे मैंने आज नाम लिया है उसके बाद फिर कल सीमा नाम लेगी तो आप उस हिसाब से कमेंट करना। ठीक है कि जैसे अब कल सीमा बोलेगी तो कल सीमा के चाहने वाले जो भी हैं उसके बाद जो मेरे चाहने वाले, वैसे मेरे चाहने वाले तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। पता चला कल कमेंट ही नहीं आ रहे। नहीं आज तो कई सारी वीडियो बताएंगे क्योंकि इनके तो नाम ढूंढ लोगी उसके बाद वाले में देखते हैं भैया कि कितने कमेंट्स आते हैं। ठीक है तो फिर इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड। दोस्तों जल्दी आपके लिए कुकृति फैमिली एक ब्लॉग लेके आएगी। और हाँ मुझे अरे यार थैंक यू ऑडियर क्योंकि 3 साल की वारंटी है यार 3+1 तो ये मिलना बहुत जरूरी है। अगर कुछ खराब होता है तो इसको दिखा के आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। और शिफ्टिंग की है तब से कुछ ना कुछ सामान हमारा ऐसे ही वैसे। और हाँ जो चीज मुझे याद आई थी दोस्तों वो ये थी ना कि मुझे कमेंट में किसी ने कहा था कि आप लोग ना क्या कहते हैं ये चीज क्यों नहीं बोलते हो कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें आप बोला करो। तो जिस नाम से कमेंट आया है वो है वीडी एडिट्स, तो वीडी एडिट्स के नाम से है तो भाई जो भी आपका नाम है ठीक है तो हाँ धन्यवाद बहुत ज्यादा आपका सजेशन के लिए। हमारे माइंड में भी चीज रहती है कि हमको चीज बोलनी चाहिए लेकिन मिस कर देते हैं वो चीज ना तो अब बोल देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो लगती है इंटरटेनिंग किसी भी तरह से अगर आप इंटरटेन होते हैं हमारी वीडियो को और आपके चेहरे पर अगर थोड़ी सी स्मेल आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कमेंट कर लीजिए और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ उसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्लॉग्स देखिए और ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस सब्सक्राइब बटन और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन। जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं आजकल कि आपका ब्लॉग आपने कहा 10 से 11 के बीच में लेकिन वो तो 12 बजे आ रहा है 1 बजे आ रहा है तो आपने नोटिफिकेशन जो बेल है सबसे जो नोटिफिकेशन जो बेल है जो चैनल के साइड में होती है उसको प्रेस कर लीजिए। उससे होगा क्या उसको होगा क्या कि जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो एट द टाइम आप ओपन कर सकते हैं। इसलिए तो बस यहीं पे करते हैं आज का ब्लॉग एंड। जल्दी कुकृति फैमिली आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आएगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें हंसते खेलते रहें। बाय बाय। भगवान सबकी रक्षा करे सब अच्छा करे। गुड नाइट शुभ रात्रि जय शंभू जय शंभू।